हेलो एवरीवन, आई एम गीता एंड वेलकम टू आवर चैनल गीता स्वराज ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के लिए आप सभी को ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना है। आप सभी का वेकेशन कैसे जा रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, भोगी संक्रांति ये दो दिन जाने के बाद आज तीसरा दिन है, जिस दिन हम लोग हमारे साइड में कनुमा सेलिब्रेशंस करते हैं और श्री वेंकटेश्वर स्वामी को पूजा भी करते हैं, सूर्य भगवान को भी पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे गेट का सामने हमने कैसे ऐसा रथम जैसा बनाया है। तो हमारे यहाँ पर जो हैदराबाद में हम लोग रहते हैं, तो हैदराबाद में इस तरह का कनुमा का दिन जो कि थर्ड डे ऑफ संक्रांति, उस दिन यहाँ पर इस तरह का रंगोली बनाते हैं सबका घर का सामने। आप देख सकते हैं हमारे जो नेबर्स हैं उन लोग भी बना रहे। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, तो देख सकते हैं कितना पूरा क्या बोलते हैं इसको, जो भी अंधेरा जैसा है। सुबह सुबह बहुत ठंड पड़ रहा था, तो जैसे ही मैंने रंगोली डालने के बाद हमारा स्वयं बाहर आ गया साइकिल लेके, लेकिन अंदर कैसे जाएगा, मैंने रंगोली तो डाल दिया, अभी इसको ऊपर जाएगा तो मेरा रंगोली तो ख़राब हो जाएगा। देखिए वो कैसे जा रहा है अंदर। कृष्णा से ये कौन है? ये कौन बा हम से बाली घटे हो या कुछ भी हो? दो जी दो जी चल, अरे से पड़ जाएंगे उधर फूल थोड़ी आना मग अच्छा है मंदार फूल। तो अभी हम आज आफ्टरनून में जा रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल, जो टेम्पल यहाँ पर गानपुर मंडल में है। यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी गुट्टा बोल के बोलते हैं इसको। इस गुट्टा का ऊपर साल में एक बार यात्रा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आफ्टरनून टाइम है, इतना भीड़ है। अगर मॉर्निंग हम आते तो और बहुत भीड़ रहता है इस मंदिर में। तो इस मंदिर का एंट्रेंस है जस्ट हम नीचे पहाड़ के नीचे है। अभी नीचे गाड़ी पार्क करके ऊपर तक जाना पड़ता है, कम से कम यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर होगा ऊपर, बहुत दूरी रास्ता है। तो ये जैसे हाइट रहता ना, चढ़ने में तो बहुत दिक्कत होता, लेकिन जब हम उतरते हैं ना तो इजी रहता है, क्योंकि पब्लिक कितना रहते हैं कि हम डायरेक्टली व्हीकल ऊपर लेके नहीं जा सकते। नॉर्मल डे में जा सकते हैं, लेकिन अभी जैसे कि फेस्टिवल टाइम है तो यहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगाया नीचे, तो ऊपर जाने का नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना रश है, भीड़ है। तो ये सनसेट का टाइम हो रहा, क्योंकि हम लोग 4 बजे इसे बाद में गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर है। अगर आप लोग इस साल इसका भी यात्रा पाने के लिए, अगले साल कनुमा का दिन ही यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है इस मंदिर में, तो आप सब आइएगा इस मंदिर को, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो कि मेडी सिटी हॉस्पिटल का नेक्स्ट है, यानी कि बोलते हैं ना रत्नालयम का टेम्पल है, उसका नियर बाई एरिया में ही होता है। वेंकटेश्वर स्वामी गुट्टा बोल के इसको बोलते हैं, और मनपुर भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसको। तो चलिए इस यात्रा को हम पूरे तक लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और इस वीडियो में हम भगवान को भी दर्शन करेंगे, साथ साथ यहाँ पर सारे जो भी है यात्रा में जो भी चीज़ है यहाँ पर दिखाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों को अगर हम हमारे चैनल पर इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पर सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अच्छी ना कहीं पे
Thank you.